आज की हमारी वीडियो जो है मैथ कोर्स कोड 304 लीनियर अलजबरा बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है मेन कैंपस में, उस पे आज की हमारी वीडियो फर्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन अननोन्स हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ ए इज आइडेंटिटेड सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो ये रेड कलर का जो मैंने सर्कल किया हुआ है नॉन सिंगुलर इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है इफ़ ए इज इक्वल टू 2-3-5-1-4-5-1-3-4। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इनको ऐड करना है, अपने फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड करनी है, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड। तो इनको ऐड करें तो फर्स्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है, सेकंड है, थर्ड है, तो इसकी फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है 1-0-0-0-1-0-0-0-1। अगेन सुन लें, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड करनी है, सेकंड सेकंड में और थर्ड थर्ड में ऐड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड मैट्रिक्स पीरियोडिक नन ऑफ दीज आइडेंटिटी आइडेंपोटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पीरियोडिक है, तो आपने पीरियोडिक आइडेंटिटी और आइडेंपोटेंट्स इन तीनों की डेफिनेशन जो है अच्छी तरह रिवाइज करनी है, इनमें से कोई एमसीक्यूज़ भी आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारे पास है 1-1-0-10, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो आप फार्मूला जो है वो ए डी माइनस बी सी वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 1 10, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास 10 है, 0 है, 9 और 5, तो करेक्ट आंसर जो है वो 10 इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है ए इफ ए इज इक्वल टू 1-2-3-2-3-1-3-1-2 देन ए 1-3 आपने फाइंड करना है, तो आपने इसमें क्या करना है फर्स्ट रॉ छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो पीछे 2-1-2-3-3-9 तो आंसर क्या आता है आपके पास -7 आंसर आता है, तो ए ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट आंसर ए -7 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू 2-1-1-2 तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें 4-1 तो आंसर 3 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए दिया हुआ देन ए 3-3 फाइंड करना है आपने, तो आपने क्या करना है इसकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर दें, तो 4-3 करें तो आंसर 1 आता है, तो करेक्ट आंसर इसकी 1 इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2-7-8 देन लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो इसका पेयर्स जो है आप लैम्डा कॉमन लें इनटू लैम्डा प्लस 1 आएगा, -8 कॉमन लें तो लैम्डा प्लस 1, तो इससे आपका आंसर जो आएगा वो -1 और 8 जो है ये करेक्ट आंसर है, -1 और 8 जो है ये करेक्ट आंसर है, इसकी डी ऑप्शन -1 और 8। नेक्स्ट है लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 तो देन लैम्डा की वैल्यू आपके ने फाइंड करनी है, 5-1 इसका करेक्ट आंसर है, 5-1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके पेयर्स आप बना लें, कौन से पेयर्स बनेंगे -5 और +λ -5λ और +λ इसके पेयर्स बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अ सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन यानी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एन एन वेरिएबल हैज सॉल्यूशन इफ़ द रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एन, अगर रैंक लेस देन एन हो तो ट्रिवियल, तो इसका नॉन ट्रिवियल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स एक पावर टी -1 आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, अगर ए का ट्रांसपोज लें दोबारा ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने B33 फाइंड करना है, तो क्या करना है आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो 3-4 करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर -1 इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं इसकी मेन डायगोनल जो है इसकी जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर आता, तो नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर जो है इसका आ जाएगा D-P-C और A इज करेक्ट आंसर है, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट है। इफ़ बी इज इक्वल 1-2 A+A ट्रांसपोज देन बी का ट्रांसपोज, तो आपने क्या करना है गिवन जो है दिया हुआ है आपके पास
जो बी इज इक्वल दिया हुआ है 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज आपने लेना है, तो आपके पास ये दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी बराबर है ए एच जी देन को फैक्टर ऑफ जी, तो को फैक्टर ऑफ जी फाइंड करने के लिए तो ये जी है, आप क्या करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो करें स्किप, तो एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी इज़ करेक्ट आंसर है, रेड जो सर्कल किया हुआ है मैंने। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच डज नॉट हैव इनवर्स इज कॉल्ड, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जी। नेक्स्ट है 1 2 1 2, तो इसका आंसर 2 2 1 2 2 2 2 में से 2 माइनस करें तो आंसर 0 आता है, तो ये नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ बी इक्विवेलेंट ए, इफ़ बी किसके बराबर होगा, ए पी के बराबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए बी सी डी देन को फैक्टर ऑफ ए 2 2, आपने को फैक्टर फाइंड करने हैं, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ें तो आपके पास ए बचता है, ओनली ए, तो यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए बी देन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो इसको आप बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन के तरीके से जब करेंगे तो इनमें से कोई भी वैल्यू इसकी करेक्ट आंसर नहीं आता है, तो ये नन ऑफ दीज इज़ करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है तो ए माइनस लैम्डा है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आपने लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ए में से माइनस करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5λ+6 इज करेक्ट आंसर है। इसका आपने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो इसको डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता है, तो -12 इसका करेक्ट आंसर है। बी बराबर हो तो बी का डिटर्मिनेंट 5 4 20 में से 6 माइनस करें तो 14 आंसर आता है, 14 इज़ करेक्ट आंसर है। इसका भी आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो इसका करेक्ट कोई भी आंसर इसमें से नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज़ करेक्ट है। इसमें आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने डिटर्मिनेंट ओपन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 8-1 आता है, 8, 8, -1 इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन एचलन मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रॉ इज़ कॉल्ड, रॉ लीडर आर पीवेट एलिमेंट उसको बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है पीवेट एलिमेंट इज़ करेक्ट आंसर है। ए बी दिया देन एक्स वन एक्स टू, तो आप इसको बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से जब फाइंड करेंगे तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, 60 20 और 60 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच फॉर्म, ये एचलन फॉर्म है, रिड्यूस्ड होता है तो उसके ऊपर भी 0 0 आता है, तो ये आपके पास एचलन फॉर्म इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए का डिटर्मिनेंट 10 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 160 आंसर आता है, ये करेक्ट आंसर है। अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल 0 ऑफ एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एन अननाउंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल 0, ये रिपीटेड है, नॉन सिंगुलर है, इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर लैम्डा स्क्वायर माइनस 7λ माइनस 8 देन लैम्डा की वैल्यू जो है वो -18 इज करेक्ट आंसर है। डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 डिटर्मिनेंट बी बराबर 14, तो दोनों को डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करें, 14 × 1 आंसर 14 आता है, ये करेक्ट आंसर है, 14 तो 14 इसका करेक्ट आंसर है। ए 11 फाइंड करना है, तो ए 11 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है आपने, तो -7 + 16 करें तो आंसर आपके पास 9 आता है, 9 इज़ करेक्ट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट ए 3 5 4, तो डिटर्मिनेंट 14 − 20 करें तो -8 का 12 − 20 करें, -8 इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज लें और उसका डिटर्मिनेंट लें तो 16 इसका आंसर आता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो अगर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स आई दैट ए पावर 2 इज इक्वल टू आई, तो ये इनवोलेटरी कहलाता है, स्क्वायर लें दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, इनवोलेटरी इज करेक्ट आंसर। ए पावर 3 इज इक्वल टू 0 देन ए इज निलपोटेंट ऑफ निलपोटेंसी, इंडेक्स कितना होगा, जितनी पावर है वही इंडेक्स होगा, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है।
लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 12। तो आप सिंथेटिक डिवीजन से इसको कर सकते हैं, अगर इसमें 2 पुट करें तो 0 बनता है। तो इसमें से नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, कोई भी इनमें से नहीं है। द रैंक ऑफ इस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, आप इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 आता है इसका करेक्ट आंसर है, नॉन जीरो रोज 2 बनती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से फार विच ए पावर पी इज इक्वल टू 0, पी बीइंग द इंटीजर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। निलपोटेंट इसका करेक्ट आंसर है, पीरियोडिक निलपोटेंट आइडेंपोटेंट स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्री, इन सब की डेफिनेशन को रिवाइज करें गाइस, इनमें से जरूर पेपर में आएगा एमसीक्यूज। अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें दोबारा ए आ जाए, इसका कॉल्ड हार्मिशियन कहलाता है। अगर एक कॉन्जुगेट लें उसका ट्रांसपोज लें माइनस ए आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक आता है, स्क्यू हार्मिशियन आता है सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हार्मिशियन है। नेक्स्ट है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 8, लैम्डा की वैल्यू नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है रैंक ऑफ ए, इसकी 2 है, रिड्यूस एचलन फॉर्म या एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी तो वो आपकी रैंक कहलाता है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए, इस आइगन वैल्यू अपने फाइंड करनी है, आइडेंटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना और इसमें से माइनस करें तो आपके पास आंसर जो है -3-5 आता है, इसका करेक्ट आंसर है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स फॉर्म एचलन रिड्यूस नन ऑफ दी, तो बोथ ए एंड बी, तो ये बोथ आ जाएगा, रिड्यूस्ड और एचलन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x1, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर जो है वेरिएबल की 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट है वन ऑफ सेवरल मेथड एम्प्लॉयड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल इज कॉल्ड गॉज एलिमिनेशन मेथड, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पावर 2 इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट, अगर उसका स्क्वायर लें दोबारा a आ जाए तो आइडेंपोटेंट होता है, अगर स्क्वायर लें i आ जाए तो वो निलपोटेंट होता है।